योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सोमवार को जिले के ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने ग्राम प्रधानों को भारत सरकार के द्वारा चल रही योजना व प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही योजना के बारे में विस्तृत में जानकारी दी तथा उन्होंने घरौनी के बारे में भी प्रधानों को बताया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी ग्राम प्रधानों को उनके क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में बताया गया है। इसके साथ ग्राम प्रधानों की समस्याओं को भी सुना गया है। उनके समस्याओं को सूचीबद्ध करके हल कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि शासन के द्वारा चल रही योजनाओं का गांव के हर तबके तक लाभ पहुंच सके और गांव के विकास को गति मिल सके, जिससे कि सभी लोगों को योजनाओं का लाभ पारदर्शिता पूर्वक मिल सके। वहीं इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि गांव में सीसीटीवी लगाया जाए, क्योंकि सीसीटीवी लगने से गांव में अपराध पर लगाम लग सकता है और अपराधियों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकतर गांव में तमंचा पाया जाता है, इसकी आप लोग पुलिस को सूचना दें, जिससे अवैध तमंचा रखने वाले अपराधियों पर रोक लगाया जा सके। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जब ये मैप वन बन जाता है, जब ड्रोन सर्वे कराते हैं तो वो एक मैप बनाता है जो लेखपाल के पास अपने खेत का पूरा गांव का जो नक्शा जाता है और उसमें हर घर का जो जहां पे टारगेट है उस घर का आइडेंटिफिकेशन उसमें चिन्हांकन मार करके दिया जाता है। उसमें जिस घर में दो मंजिला तीन मंजिला है तो उसमें ये भी आइडेंटिफाई होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, सेकेंड फ्लोर पे कौन है, यदि बंटवारा हुआ है तो उस हिसाब से पूरा आता है। ये मैपॉन लेके लेखपाल और ये आपके ग्राम सेक्रेटरी ये लोग जाते हैं, पड़ताल करते हैं। पड़ताल का मतलब जांच करते हैं उसमें कि हाँ ये जो नक्शा आया हुआ है इस नक्शे के अनुसार इस जगह पे ये अमुक आदमी ही निवास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ आपत्तियाँ भी रहती हैं तो लेखपाल लिख लेते हैं कि साहब ये विवादित है, जो निर्विवाद रहता है तो निर्विवाद तौर को हम लोग भेज देते हैं सर्वे ऑफ इंडिया को पुनः। तो जब सर्वे ऑफ इंडिया को भेजते हैं जो निर्विवादित नक्शे होते हैं तो वहाँ से फिर हमारा जो है वो 7, 8, 9 और 10 प्रारूप पे सूचना भर के उसको कंप्लीट करके प्रारूप 10 का हम लोग जैसे खतौनी निकालते हैं उसी तरीके से घरौनी निकालते हैं। उसके बाद इसमें जो विवादित होते हैं, विवादित के बाद फिर हम लोग प्रकाशन कराते हैं, प्रकाशन में फिर आपको सूचना जाती है कि सर इसमें ये गलती हुई है, तो उसको सुनने के लिए राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, फिर एसडीएम साहब के स्तर पर सुनवाई होती है, आप लोगों को सुना जाता है। यदि आप लोग एसडीएम लेवल पे भी संतुष्ट नहीं होते, लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हमारा हित प्रभावित हो रहा है, तो उसके बाद आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आप लोग आवेदन करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो निर्णय हो जाता है तो उसके बाद फिर आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उस निर्णय के बाद आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो निर्णय फाइनल निर्णय होता है। तो इस तरीके से जो ये स्वामित्व योजना है, ये स्वामित्व योजना इतनी महत्वपूर्ण है, अभी भी इसको संचालित होने में या प्रतिदिन इसका जो हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद का जो मानक है कि हम एक ड्रोन टीम से एक दिन में कम से कम 8 गांव का सर्वे करें, इसमें हमारे कुछ प्रधान जी लोग ऐसे हैं जो जिनके गांव में ये ड्रोन सर्वे का काम हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जब घरौनी वितरण हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेगा। अभी माननीय प्रधान राजस्व परिषद से यही पूछा गया था कि इस योजना की सक्सेस स्टोरी क्या है, सफलता की कहानी क्या है। स्वामित्व योजना को संचालित करने का विभिन्न गाँवों में घरौनी का वितरण हो चुका है, अभी हमारे यहाँ केवल सरगमा में ही वितरण हुआ है और सदर तहसील के साथ जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है इस तरह से ही पूछा गया है। वहाँ आप लोग गाँव में पूछे कि घरौनी वितरण के बाद क्या ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन थे और इस योजना से कारण आचार संहिता के कारण लंबे समय के बाद हम लोग दोबारा सामूहिक कार्यशाला के माध्यम से अभी समाज स्थापित कर रहे हैं। ये कार्यशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें आपकी समस्या चाहे वो नीतिगत हो, क्रियान्वयन संबंधित हो, वो हमारे संज्ञान में
प्रशासन शासन के संज्ञान में ला पाएंगे। दूसरा, जो क्षमता वृद्धि की सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और अगले पड़ाव तक पहुंचेगा। बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको केंद्रीय भूमिका के रूप में वहां नेतृत्व प्रदान करने के लिए पद ग्रहण हुआ है, लेकिन नेतृत्व कोई ऐसा पद स्थापित करने का काम नहीं है, नेतृत्व तो करनी है। एक असली नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कभी अपने चेलों को सृजित नहीं करता, दूसरों में नेतृत्व क्षमता सृजित करते हैं वो। एक लीडर दूसरे लीडर्स को क्रिएट करता है, फॉलोअर्स को क्रिएट नहीं करता है। वो क्षमता आप सब में है। मैंने बहुत पिछले कुछ महीनों से आपसे इंटरेक्शन में, आपके आपके सफलता की कहानियों में जो हम सबको प्रेरित कर चुकी है, ऐसे क्रियान्वयन में हमने देखा है कि आप सभी नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं और आपके द्वारा जो परिकल्पना और एक विजन बनाया अपने गांव के लिए उसको साकार करने के लिए जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा। आज हर एक घटक में जब चर्चा होगी तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला राजस्व का पार्ट आया है। सबसे पहले काम हम अगले 10 दिन में ये करेंगे राजस्व में कि जितने भी अविवादित विरासत हैं, दाखिल कारित लंबित हैं, अमल दरामद पेंडिंग है, जिसमें कतौनी की नई कॉपी भी वितरण करना है। अपने गांव के बारे में बता दूं सर, लगभग 15,000 से ऊपर की आबादी का गांव है। सीडीओ सर मेरे गांव गए हुए हैं, डीपीआरओ सर भी गए हुए हैं। तो सर वहां पे शौचालय बनवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। नेशनल हाईवे बन रहा है, सबसे हाईएस्ट सर्किल रेट अगर किसी भी ग्राम पंचायत का है तो वो मेरे गांव का है, हाटा बाजार का है, हाटा बुजुर्ग, सबसे हाईएस्ट सर्किल रेट सर। अगर मतलब लोग घनी आबादी क्षेत्र सर, लोगों के पास मतलब अपना घर तो बना लेके वो बना लेते हैं लेकिन वहां सोच नहीं है और शौचालय जमीन ही नहीं है, बोलते हैं हम कैसे बनवा सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय और विकास मुख्य विकास अधिकारी महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस फोरम में आप लोगों से मैं रूबरू हो सकूं। अब जब भी मुझे मौका मिलता है मुझे काफ़ी इच्छा होती है कि मैं ग्राम के प्रधानों से बात करूं, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि गांव एक मूल इकाई है और लोकतंत्र में सबसे जो बेसिक और मूल इकाई है वो गांव का ही रूप होता है। हमारे 73वें या 74वें अमेंडमेंट के बाद आपको कई अधिकार मिले और लोकतंत्र की जो सबसे मूल इकाई जो गांव प्रधान होता है वहां से एक लोकतंत्र शुरू होती है हमारे देश में। करीब 6.5 लाख से प्लस गांव अभी हैं पूरे देश में और वहां सभी लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रांग डेमोक्रेटिक नेशन इसलिए भी बना, मजबूत लोकतंत्र इसलिए भी बन पाया क्योंकि हमारी त्रिस्तरीय जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है जहाँ गाँव प्रधान है, जिला पंचायत है और स्टेट और नेशनल असेंबलीज हैं, वहाँ लोग इलेक्ट होके आते हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्णय का ही पालन सरकार की विभिन्न एजेंसियां करती हैं। इसलिए आप जो है अपने गांव में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और रोल होता है। आप पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको एक मैंडेट दिया है। पिछली बार भी हम लोग मिले थे और ये मौका आया तो मैंने सोचा पुनः आपसे एक बार वार्ता करें। अभी बहुत अच्छा लग रहा था, अभी जब हम सीनियर साहब से बात भी कर रहे थे तभी हमारे हाटा बुजुर्ग के प्रधान बता रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ काम अच्छे हुए हैं। तो ये जो अच्छे काम होते हैं आदमी मोटिवेट होता है। आपको एक जो मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है अभी, और ये जो अच्छा काम है आप सभी लोग कर सकते हैं। आप ही लोगों से जो अच्छे गाँव चुने जाते हैं उनको प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से सम्मानित भी करते हैं। वार्षिक प्रयास करें कि वो सम्मान आप में से हर आदमी प्राप्त करे। जो एक कुछ बातें हैं जो मैं अब आपसे करूंगा, जो मुख्यतः कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़ी हुई होती हैं, आप अपराध नियंत्रण में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ बेसिक सूचनाएं इकाइयां होती हैं जैसे गांव है, हमारे लिए भी गांव बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने हर गाँव में एक अधिकारी नियुक्त किया है। पहले जब मैं आया था तो राजस्व विभाग की बड़ी ही सुदृढ़ व्यवस्था होती है, लेखपाल को सभी जानते हैं, लेखपाल उस गांव के सारे राजस्व इलाकों का कर्ता धर्ता होता है, उसको सुरक्षित रखता है, उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी भी होता है। बट पुलिस के अंदर में वो व्यवस्था उतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं रही है। पिछले साल भर से हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोगों ने एक अधिकारी दें जो एक पीठ पुलिस ऑफिसर के रूप में जाना जाएगा
मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से ज्यादातर लोगों को पीठ पुलिस ऑफिसर्स ने कॉन्टैक्ट किया होगा, आपसे संपर्क हो गया। से जरा हाथ उठाइए जो अपने गांव के पीठ पुलिस ऑफिसरों को जानते हैं, वो लोग हाथ उठाइए कि हाँ सब हमारे पीठ पुलिस ऑफिसर को हम जानते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को और ब्लॉक के सभी अधिकारी और जिले के ग्राम विकास से जुड़े हुए अन्य विभागों के जुड़े हुए अधिकारीगण प्रधानों की क्षमता वृद्धि के लिए, उनको विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारीकियों को बताने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को भी यहाँ पे प्राप्त करके सूचीबद्ध करके हल कराने के लिए है। खुलकर चर्चा हो रही है, अच्छी चर्चाएँ हो रही हैं, विश्लेषण हो रहा है ताकि हमारे विभिन्न शासनीय की योजनाओं को क्रियान्वयन में और गति मिल सके और वहाँ पारदर्शितापूर्वक गुणवत्तापूर्वक उनको क्रियान्वयन कर सके।